Good morning to all of you. Today I'm going to discuss the writing task one, and the topic is UK immigration and emigration. कौन कौन से और कितने परसेंट जो पॉपुलेशन है वो इमिग्रेट हुई है बाहर, एंड कितने परसेंट लोग हैं वो यूके में आए हैं. सो इसी तरीके से यहाँ पे पाई चार्ट डिस्क्राइब किया है दो पार्ट्स में, जिसमें मेन पॉइंट्स है डिफरेंट की, जैसे जॉब्स के रिलेटेड, लुकिंग फॉर द वर्क, फॉर्मल स्टडीज, किसी चीज को ज्वाइन करने के लिए, किसी नो रीजन स्टेटेड एंड अदर. ये सारे पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें बताया है कि कितने परसेंट लोग इसी के अकॉर्डिंग दूसरे देश में शिफ्ट हुए हैं या यूके में आए हैं. तो नीचे यहाँ पे इमिग्रेशन और इमिग्रेशन की डेफिनेशन दी है. कई बार इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है. द रीजन ऑफ इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन फ्रॉम द यूके इन 2007, इसमें पाई चार्ट में यहाँ पे दिखाया गया है. ओवरऑल क्या है कि जो मेन्स टाइप की डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब, स्कूलिंग पर्पज के लिए, ट्रैवल के लिए और नो अदर रीजन्स के लिए जो क्लासिफिकेशन की है उसी के बारे में यहाँ पे बताया सबसे ज्यादा किस तरीके से लोग बाहर जा रहे हैं. तो जस्ट वन मोर परसेंट इमिग्रेंट कम टू द यूके फॉर द सेम रीजन टू स्टडी एंड वर्क, अकाउंटिंग फॉर द 30% टू ऑल इमिग्रेंट. द डिफरेंट इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन वॉज बिगर वेन इट कम टू सीक एम्प्लॉयमेंट, कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, वर्क की बात की जाए. 12% अगेंस्ट 22% रिस्पेक्टिवली. इट वॉज इवन मोर प्रोनाउंस, कि और भी क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है वेन फॉर्मल स्टडी के बारे में बात की जाए. 26% लोग हैं वो इमिग्रेंट हुए थे वर्सेस 4% रिस्पेक्टिवली, कि ज्यादा लोग यूके में स्टडी करने के लिए आए थे और कम उस स्टडी के बेस पे इस देश से बाहर गए थे, वो 4% थे. देर वॉज अ क्लोज, कि सबसे जो कम डिफरेंस आता है इमिग्रेशन में फॉर अदर reasons, कि यहाँ पे कुछ प्रॉपरली स्टेट नहीं किया गया था कि किस रीजन के लिए वो ये सब कर रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा कम डिफरेंस आता है. एमिग्रेशन में 11% फॉर द अदर पर्पस एंड 14% फॉर द इमिग्रेशन रिस्पेक्टिवली, विच वर सिमिलर टू द नंबर ऑफ गोइंग अलोन विद समवन एल्स. जो अकेले जा रहे हैं वो 15% थे एंड 13% थे रिस्पेक्टिवली. कि इमिग्रेशन पर और एमिग्रेशन के बीच में यहाँ पे 2% का ही डिफरेंस रह जाता है. फाइनली ओनली 6% ऑफ पीपल मूव टू यूके विदाउट अ पर्पस, कि कुछ लोग है किसी बिना किसी रीजन के यूके में मूव हो जाते हैं. येट द 3 times द नंबर ऑफ डू सो विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, कि जो 3 times ज्यादा था कि जो जिनके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी उसके जो जो परसेंटेज आ रही थी वहां पे, कि उनका 2% रह जाता था और यहाँ पे इनका 6% था. सो दिस इज द प्रेजेंटेशन. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.